मतलब बहुत खुशी की बात है भाई, दो दो स्कॉर्पियो आप सभी के लिए यहाँ पे मौजूद है, और दोनों में अगर कोई भी आप स्कॉर्पियो लेना चाहते हैं तो इस पे दीजिए 2.5 लाख, या फिर इस पे दीजिए 2.5 लाख या 3 लाख जमा कीजिए और लेके जाइए सिवान से। और भैया कितना इस गाड़ी पे डाउन पेमेंट करना पड़ेगा? इस गाड़ी पे 2.5 लाख। 2.5 लाख? जी हाँ, 2 से 2.5 लाख रुपए के डाउन पेमेंट पे आपको यहाँ से स्मार्ट ट्रक दिया जा रहा है। ऑल पेपर अप टू डेट करके 2 से 2.5 लाख रुपए लेकर आइए और इस ट्रक को आप अपने घर लेके जाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं शिवम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ वापस से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो पे आज मैं फिलहाल आप सभी को लेकर पहुंचा हूँ सिवान जिले के चर्चित कार बाजार डीलक्स फर्स्ट चॉइस में। और डीलक्स फर्स्ट चॉइस से आज की इस वीडियो पे मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ आप सभी को 10+ स्कॉर्पियो और भाई 10+ पिकअप। मतलब कि इस बार की अगर हम बात करें तो आप सभी को बहुत सारी गाड़ी है इस वीडियो में हम कवर करके दिखाने वाले हैं, और बहुत ही कम डाउन पेमेंट पे आप सभी को इस बार गाड़ी भी मिलने वाला है। और स्कॉर्पियो का आप सभी बार बार लेके मुझे कमेंट कर रहे थे कि शिवम भाई आप स्कॉर्पियो सेकंड हैंड दिखाए, तो फिलहाल वो दिन और वो टाइम आ चुका है। आज की इस वीडियो पे आप लोग स्कॉर्पियो भी देखेंगे, तो आप सभी इस वीडियो के साथ, हो सके तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, वीडियो के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा। पूरी गाड़ियों का हम डिटेल आप सभी को बारीकी से देंगे कि कितना गाड़ी चला हुआ है और कितना रेट रखा गया है और कितना आप जमा करके गाड़ी ले सकते हैं। बाकी आज हमारे साथ भैया, भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है आपका भी। भैया सबसे पहले आप हमें बताएं, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई अपना डीलर्स फर्स्ट चॉइस फिलहाल सिवान जिला में कहाँ मौजूद है, इसके आने का एड्रेस सबसे पहले हम लोग जान लें। देखिए हमारा जो एड्रेस है ना, ये आपको सिवान से जो गोपालगंज रोड जा रहा है NH 85, उसी में छोटपुर बाजार आता है, ठीक है, जो कि सिवान से 4 किलोमीटर दूरी पे है। और गोपालगंज से आएंगे आप तो सिवान से पहले ही पड़ेगा। मतलब सिवान से गोपालगंज की तरफ जाने वाली मेन मार्ग पे आप जैसे मतलब आप विजिट करेंगे ना, तो आप किसी से पूछ सकते हैं कि मुझे भाई छोटपुर बाजार जाना है। छोटपुर बाजार के ठीक समीप भाई अपना ये डीलक्स फर्स्ट चॉइस आपको बड़ा सा बोर्ड तो छोड़िए, आपको पूरा यहाँ पे गाड़ियों का मेला ही देखने को मिल जाएगा। आप भैया वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहेंगे, आज की इस वीडियो की जो सबसे पहली हमारी गाड़ी है स्कॉर्पियो की S11 है ना? S11 है, और जो कि 01 पटना की रजिस्टर नंबर गाड़ी है। भैया इस गाड़ी का डिटेल बता दिया जाए थोड़ा सा। देखिए ये गाड़ी 2018 मॉडल है, ठीक है, सिंगल ओनर है, हाँ हाँ, और 40,000 अप्रोक्स चली हुई है, ठीक है, कंपनी की ही टायर है, हाँ हाँ, विथ सर्विस रिकॉर्ड है, विथ सर्विस रिकॉर्ड, ठीक है। मतलब गाड़ी आप हर तरफ से देख सकते हैं, अंदर से या बाहर से, इसका एक्सटीरियर इंटीरियर हर चीज भी देख सकते हैं, गाड़ी मेंटेन है। अच्छा भैया कहीं ना कहीं अगर बात कर ले स्कॉर्पियो S11 का, जो लोग लेना चाहते हैं ना, वो लोग रेट अभी जानना चाहते हैं कि रेट कितना रखें। देखिए स्कॉर्पियो S11 हो गया, S10 हो गया, हाँ, ये सारी अपने पास अवेलेबल है। और रहा बात इसका 11 का, हाँ, ये आपको अप्रोक्स 12 के अप्रोक्स ही गाड़ी पड़ेगी, 12-12.5 की करीब पड़ेगी, विथ ऑल पेपर कम्प्लीट। मतलब विथ ऑल पेपर, मतलब अगर हम बात करें नाम ट्रांसफर इंश्योरेंस वारंटी, वो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, कंपलसरी वो चीज देते हैं हमारे यहाँ, वो चीज गिनाने की जरूरत नहीं है उंगली पे, ये चीज देंगे, नहीं सारा पेपर कंप्लीट देंगे। हाँ, मतलब एक सौ बात भाई, आपको ऑल पेपर अपडेट कंप्लीट मिलेगा। अच्छा भैया एक चीज हम बात करें S11 पे कितना लोग लेके आएंगे तो छोड़ दीजिएगा ये गाड़ी, आप 3-3.5 लाख भी डाउन पेमेंट देंगे तो ये गाड़ी हम छोड़ देंगे। 3.5 लाख रुपया दीजिए और S11 को आप अपने घर लेके जाइए, जो कि आपको ऑल पेपर अप टू डेट के साथ गाड़ी मिल जाएगा। और S11 की बात अगर बात कर ले तो S10 आ गई आप सभी के सामने, और जो कि आपको ये जहां से हम वीडियो कवर कर रहे हैं मतलब सिवान की रजिस्टर नंबर गाड़ी हो जाएगी, विथ लोकल नंबर आपको ये गाड़ी मिल जाने वाली है। जो लोग सिवान से वीडियो देख रहे हैं उनके लिए गाड़ी आपको ये चारों अवेलेबल मिल जाएगा ना? हाँ, S10 11 ये टॉप मॉडल गाड़ियाँ रहती हैं, इसमें आपको अवेलेबल मिल जाएगा। अच्छा, गाड़ी 2017 की है, हाँ हाँ, और फर्स्ट ओनर है, हाँ ये हाँ, गाड़ी आपको तकरीबन 980 के करीब पड़ेगी, 980। ये गाड़ी भी हम आपको सारा चीज पेपर कंप्लीट करके देंगे, हमारी गाड़ी में सब में पेपर कंप्लीट मिलेगा। भैया कितना जमा करना पड़ेगा? लोगों का यही सवाल होता है 2.5 से 3 लाख करीब, इसमें भी 2.5 से 3 लाख। हाँ, मतलब 2,50,000 है, तो जो सामने में आप गाड़ी देख रहे हैं ये गाड़ी आप अपनी बना सकते हैं। इसके लिए आप आइए एक बार डीलक्स फर्स्ट चॉइस डीलक्स मोटर सिवान में, और आप सभी के लिए गाड़ी मौजूद है और गाड़ी भाई नॉन एक्सीडेंटल यहाँ से मिलती है। ये चीज आप बिल्कुल सोच के आइएगा कि आप यहाँ से जो गाड़ी लेंगे आपको गाड़ी बिल्कुल सर्टिफाइड मिलेगा। गाड़ी आप ले जाने के बाद से आपको गाड़ी में 1 रुपया भी नहीं लगाना है, बस आपको गाड़ी को यूज करना है और पैसा कमाना है भाई। और अगली गाड़ी की बात कर ले तो आप सभी को सिवान की रजिस्टर नंबर आप सभी को एक और स्कॉर्पियो दिखाना चाहेंगे, ये S10 हो जाएगी भैया। ये भी स्कॉर्पियो S10 है, S10 है, गाड़ी बिल्कुल सर्टिफाइड है। जो चीजें उस गाड़ी में आप लोगों ने देखा वही चीजें आपको इस भी गाड़ी में मिलेगा, लेकिन उससे अगर हम बात कर ले उस गाड़ी का आप लोगों ने तो अंदर का इंटीरियर देखा, लेकिन इस भी गाड़ी का आप लोग देख लीजिए। और ये गाड़ी में आपको कंपनी फिटेड म्यूजिक सिस्टम की बात कर ले, AC वगैरह सब कुछ गाड़ी का चालू है, मुझे कहने की जरूरत नहीं कि भाई गाड़ी में ये चीजें नहीं है, सब कुछ है। बस मैं आप सभी के लिए इसलिए दिखा रहा हूँ वीडियो की, बस मैं आप सभी को रेट बता सकूँ
आप कितना रेट लेके और गाड़ी ले सकते हैं, बेस स्कॉर्पियो के बारे में बताइए थोड़ा सा। तो ये स्कॉर्पियो 2016 की स्टैंड स्कॉर्पियो, ये आपको तकरीबन 975 की करीब में पड़ेगी, 975,000 नेगोशिएबल है और सारा चीज वही सेम पेपर अपडेट के साथ। अब यह वही 2 से 2.5 लाख रुपए लाएंगे, 2.5 से 3 लाख करीब, 2.5 से 3 लाख रुपए लाइए। और इस स्कॉर्पियो S10 को भी आप अपना बनाइए, जो कि सिवान की रजिस्टर नंबर गाड़ी है, ऑल पेपर अप टू डेट। कहीं से कुछ आपको मतलब आप गाड़ी लेके जाएंगे ना तो आपको भाई कहीं ट्रैफिक पुलिस भी नहीं रोकने वाली है, क्योंकि भाई गाड़ी का आपको ऑल पेपर अप टू डेट करा के दिया जाएगा। जो सामने आने वाली है गाड़ी, ये स्कॉर्पियो S10 एडवेंचर है। अच्छा, इसमें भैया एमवॉक एंगल होता है ना? हाँ, सेम टॉप मॉडल जो है ना, इंजन वही देता है, लेकिन ये एडवेंचर उसमें लिमिटेड एडिशन ये गाड़ी निकाला है। अच्छा, इस गाड़ी का आप लोग थोड़ा सा देखिए इंटीरियर, ये भी गाड़ी आपको बिल्कुल टॉप मॉडल की गाड़ी आपको ये भी मिल जाने वाली है, और चारों टायर आपको अलाइबल, भैया पांचों बोल सकते हैं, पांचों दीजिएगा ना अलाइबल में, चार अलाइबल रहता है, पांचवा रिंग रहता है, पांचवा रिंग में आपको मिलेगा, लेकिन चार आपको अलाइबल मिलेगा। आपको एडवेंचर एडवेंचर जो है ना, इसका थोड़ा सा डिफरेंट देता है डैशबोर्ड वगैरह इंटीरियर, और आपको अलेवल भी अलग कलर में देता है, प्लस ये सारे क्लाइडिंग, ये बॉडी स्टिकर इसी गाड़ी में ही देता है, मतलब इसमें मॉडिफाइड नहीं करेगा, ऑलरेडी कंपनी का दिया हुआ है, कंपनी का ही। चलिए देख रहे हैं आप ये स्कॉर्पियो कितनी मतलब खूबसूरत रख लिया देखने में, और ये स्कॉर्पियो की S10 ही है, और लगातार हमने 3 S10 आप सभी के लिए कवर किया, ये काफी खुशी की बात है कि भाई आज अपने सिवान से 3-3 मैंने आप सभी को स्कॉर्पियो S10 दिखाया है, हमारे पास S10 उस वाले ब्रांच पे खड़ी है। चलिए दूसरी ब्रांच पे खड़ी है, चलिए लेकिन हम इसका डिटेल जानते हैं थोड़ा सा, फ्रंट से लेके चलिए इस गाड़ी को दिखाएं फ्रंट से, और आई एम इस स्कॉर्पियो का भैया थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए जो कस्टमर वीडियो देख रहे हैं। देखिए ये गाड़ी आपको इसमें रियर व्यू कैमरा कंपनी फिटेड मिलता है, है ना, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, वेल मेंटेन, हर तरफ से अपडेट है, ऑन सर्विस रिकॉर्ड अप्रोक्स गाड़ी 60 अप्रोक्स चली हुई है, पटना का रजिस्ट्रेशन है और गाड़ी हर तरफ। अच्छा, ये एक चीज बात करें, गाड़ी जो है जितना पता है चला हुआ जेन्युइन है भैया, बहुत लोग बोलते हैं कि भाई मीटर के हमारे पास देखिए मैक्सिमम जो गाड़ी आपको S10 11 में दिखाएंगे ना, सारी गाड़िया का मीटर आपको लगभग जेन्युइन मिलेगा S10 11 में मैक्सिमम, और S2 S3 जो आती है उन सब में कस्टमर में भी कराते होंगे, हमारे पास जो है आपको सामने दिख जाएगा, गाड़ी के कंडीशन से आपको पता चल जाएगा ये गाड़ी कैसी है। लेकिन एक चीज और है भाई कि डीलक्स फर्स्ट चॉइस से जब आप गाड़ी लेंगे तो फर्स्ट ओनर की गाड़ी मिलती है, ऐसा नहीं कि भाई आपको सेकंड ओनर की गाड़ी दी जाता है, मतलब रियल केस में हो सके तो भाई आपको अभी हमारे पास टोटल 11 स्कॉर्पियो जिसमें 2 स्कॉर्पियो आपको सेकंड ओनर है, बाकी 9 स्कॉर्पियो आपको फर्स्ट ओनर ही रहेंगे, आप देख सकते हैं। और ये आपको 01 पटना की रजिस्टर नंबर गाड़ी थी, लेकिन आप अगली स्कॉर्पियो की हम बात करेंगे जो कि सिवान की है, और सिवान से हमारे जो लोग भाई हमारे जो मित्र देख रहे हैं ना उनको हम बताना चाहेंगे कि आप सभी के लिए आज मैं सिवान में मौजूद हूँ, और भैया इस सिवान की रजिस्टर नंबर स्कॉर्पियो के बारे में डिटेल बताया। ये स्कॉर्पियो S2 है, 2015 की है, S2 बारीकी से समझिएगा इस गाड़ी के बारे में, क्योंकि भाई आप S2 और S3 को लेकर बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं आप लोग, तो भैया डिटेल बता दिया जाए इसकी। गाड़ी आपको 2015 की है और यही गाड़ी सेकंड ओनर है, लेकिन मेंटेन है हर तरफ से, एसी हीटर वगैरह सारा चीज आपको अपडेट मिलेगा, ठीक है, पेपर सारा अपडेट, और गाड़ी में 2 टायर हमने नया डाला है, सामने वाला पीछे वाला भी अभी आपको 70-80% में है, और सामने वाला दोनों नया टायर, पीछे वाला भैया कंपनी फिटेड होगा अभी नया, वो चेंज हो चुका है, वो भी चेंज हो चुका है, चेंज हो चुका है, बट वो भी आपको 70-80% में है, सामने वाला तो दोनों ब्रांड न्यू है। अच्छा, अगर बात करें भैया इसकी रेट की तो कहीं ये आपको 790 की पड़ेगी, 790,000 की है जी हाँ, और जमा करना पड़ेगा 3 लाख, हाँ 2.5 से 3 लाख करीब, 2.5 से 3 लाख। देखिए स्कॉर्पियो सीरीज लेना है ना तो 2.5 से 3 लाख आप डाउन पेमेंट करेंगे तो आपको कोई भी स्कॉर्पियो मिल जाएगी, कोई भी स्कॉर्पियो जी 2.5 से 3 लाख रुपए में आपको यहाँ से कोई भी स्कॉर्पियो मिल जाएगी। तो अगर हम बात करें और S11 वगैरह लेना चाहते हैं तो आपको 3-3.5 के करीब उसमें देना, और ये भी आप सभी के लिए S2 है, S2 है 2015 की है, ये भी 15 की है, ये भी 01 पटना की है, पर कितना की भाई, वो सिवान की है और ये पटना की है, इसमें भी हमने आगे का दोनों टायर नया डाला है, ठीक है, पीछे वाला भी अभी आपको 50-60% में है, वो भी अभी चलेगा, एसी हीटर इसका भी अपडेट है, रेट भैया ये भी वही सेम प्राइस है, 790 के करीब पड़ेगी ये, तो दोनों पे तो भैया सेम ही जमा करना पड़ेगा, हाँ। मतलब बहुत खुशी की बात है कि भाई 2-2 स्कॉर्पियो आप सभी के लिए यहाँ पे मौजूद है, और दोनों में अगर कोई भी आप स्कॉर्पियो लेना चाहते हैं तो इस पे दीजिए 2.5 लाख या फिर इस पे दीजिए 2.5 लाख या 3 लाख जमा कीजिए और लेके जाइए सिवान से। और अगली गाड़ी की बात करें तो ये इसमें एक खास चीज है, ये स्कॉर्पियो S2 है लेकिन इसका जो हेडलाइट है ना ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, आपको S10 स्कॉर्पियो का हेडलैम्प लगा हुआ है, क्या बात है, इसको मॉडिफाइड कराया गया है ना जी हाँ, अगला आदमी नहीं दिया होगा, नहीं कंपनी नहीं दिया, अगला आदमी अपने शौक से कराए हैं, और इसका फुटरेस्ट भी जो देख रहे हैं ना ये भी S10 का ही है, और काफी कुछ इसमें लगे हुआ है, मतलब S10 का चीज इसमें S2 में लगा के आपको गाड़ी दिया जा रहा है। बगल में जो खड़ी अपनी स्कॉर्पियो इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। S3 स्कॉर्पियो 2018 की गाड़ी, तकरीबन 10-25 की पड़ेगी, फर्स्ट ओनर है, 10-25
10 लाख फर्स्ट ओनर है। हाँ। वो गाड़ी भी 2018 की है, S3 है, फर्स्ट ओनर, 10-25 लगभग उसका भी प्राइस है। मतलब दोनों के 10-25 रखे जी। हाँ। अच्छा, और इसमें भी आपको दोनों टायर आगे का नया मिलेगा, वो हमारे यहाँ से डाला हुआ। अच्छा, 3-3 लाख रुपया डाउन पेमेंट कर देंगे तो मिल जाएगा। तो देखिए, हमने बताया वहाँ पे 2-2.5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट, आप सभी के लिए 2-2 स्कॉर्पियो खड़ी थी, लेकिन यहाँ पे आपको इस गाड़ी पे भी 3 लाख देना है और इस भी गाड़ी पे 3 लाख रुपया देना है, 3-3 लाख रुपए के डाउन पेमेंट पे। ऑल पेपर अप टू डेट, नाम ट्रांसफर, इंश्योरेंस, वारंटी, पॉल्यूशन, सब कुछ करा के आप इस गाड़ी को लेके जाइए मात्र 3 लाख में, और बाकी आप गाड़ी का जो पैसा आप लोन करा सकते हैं। तो आप देख लीजिए इस भी गाड़ी का आगे का टायर आपको दोनों गाड़ी में न्यू लगा हुआ है, और पीछे का जो है वो भी आपको 80% 70% तक अभी इजली बचा हुआ है, और उसमें भी कहने की जरूरत नहीं है। और ये आपको रिंग में मिल जाएगा, एलाइबिल वाला नहीं है। हाँ जी, जो एलाइबिल में थी मैंने आप सभी को बताया कि भाई इस गाड़ी में आपको एलाइबिल मिल जाएगा। तो फिलहाल अभी मैं आप सभी के लिए मौजूद था डीलक्स फर्स्ट चॉइस और डीलक्स मोटर्स कार बाजार में, और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो यहाँ से हमने आप सभी को दिखाने की कोशिश किया, यहाँ पे जितनी भी स्कॉर्पियो फिलहाल में मौजूद थी पूरी गाड़ियों का हमने डिटेल दिया। और इसके साथ मैंने आप सभी से वादा किया था भाई कि अगर आप बोलेरो पिकअप का सपना रखते हैं, बोलेरो पिकअप लेना चाहते हैं वो भी आपको मिलेगा, छोटी फैमिली गाड़ी लेना चाहते हैं वो भी मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे आप सभी के लिए बहुत सारी, अगर हम बात करें पैसा कमाने के लिए, बहुत सारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। भैया थोड़ा सा इधर दिखाएं, ये स्टॉक आप देख रहे हैं, ये स्टॉक हम आप सभी को इस वीडियो में कवर करके बताएंगे कि अगर आप बोलेरो पिकअप या छोटा पिकअप या छोटा हाथी लेना चाहते हैं तो आपको कितना देना होगा। भैया एक बार थोड़ा सा आ जाइए, और यहाँ से हम थोड़ा सा आप गाड़ी का आप सभी को अंदर से इंटीरियर नहीं दिखाएंगे, उसके लिए मैं आप सबसे माफी चाहूंगा, ताकि इतना चीज आप समझ लीजिए कि आपको यहाँ से जो गाड़ी मिलेगा बिल्कुल सर्टिफाइड गाड़ी मिलेगा। भैया अपनी जीतो खड़ी है, इसके बारे में बताइए। तो ये 2018 की है, 190 की पड़ेगी, सारा पेपर कम्प्लीट करके अपडेट करके 1,90,000 18 मॉडल की गाड़ी 1,90,000 ऑल बिहार घूमिएगा, नहीं मिलेगा 04 रजिस्ट्रेशन है, वो भी आपको छपरा की रजिस्टर में गाड़ी मिल जाएगी। चलिए यहाँ पे देखिए आप सभी के लिए मेगा एक्सल है, जो कि आपको इंचीज इसमें भी दिखा दे, इसमें चारों टायर हमने नया डाला है, और जीतो में 2 पीछे का टायर नया डाला है। अच्छा अच्छा, मतलब एक चीज है भैया कि आप जो गाड़ी देते हैं ना, तो बहुत लोग कस्टमर यहाँ से गाड़ी लेके गए हैं, लेकिन बहुत लोग खुश भी होते हैं, और ये चीजें मुझे कभी सुनने को नहीं मिला है कि भाई हम डीलक्स फर्स्ट चॉइस से गाड़ी लिए हैं और गाड़ी ले जाने के बाद से मुझे पैसा लगाना पड़ा है। मतलब कभी कस्टमर के लोगों के हमने भी जुबान से सुना है कि डीलक्स फर्स्ट चॉइस में जो गाड़ी मिलती है ना, काफी अगर बात करें तो सर्टिफाइड गाड़ी मिलती है, और लोग इसीलिए तो भाई कमेंट करते रहते हैं कि आप लोग भाई किसी को भाई आप डीलक्स फर्स्ट चॉइस का वीडियो कब ला रहे हैं। तो मैं भी आप सभी के लिए आ ही जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे देखिए आप सभी के लिए 06 मुजफ्फरपुर की रजिस्टर नंबर आप सभी के लिए यहाँ पे ये गाड़ी खड़ी है, जो कि आपको ये छोटा पिकअप के नाम से या फिर छोटा हाथी के नाम से इस गाड़ी को अपने बिहार में जाना जाता है। भैया इस गाड़ी के बारे में डिटेल बताइए। तो ये देखिए, ये टाटा की मेगा एक्सेल है। हाँ हाँ। इसका बहुत ज्यादा डिमांड रहता है क्योंकि माइलेज में बेस्ट आती है, और इसका डाला भी बाकी जो छोटा हाथी रहता है ना उससे बड़ा रहता है। अच्छा अच्छा, 2019 की गाड़ी है ये गाड़ी, आपको 340 पे छूट जाएगी, सारा पेपर अपडेट करके हम आपको दे सकते हैं, फर्स्ट ओनर है ये भी गाड़ी। अच्छा भैया, कहने कहीं अगर डाउन पेमेंट की बात करें उसके बारे में बता दीजिए, क्योंकि भाई लोगों के पास उतना नहीं होता है। तो देखिए, इस गाड़ी पे आपको 30-40% लगभग आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। कमर्शियल में भी वही चलता है भैया? कमर्शियल में आप 20% पे भी दे सकते हैं। हाँ। डिपेंड करता है, गाड़ी जितनी नई है उतना ज्यादा उस पे लोन हो जाता है। अच्छा भैया, एक चीज और हम आपसे बात करना चाहेंगे, जैसे कि कोई लोग जीएसटी फाइल रिटर्न वगैरह करते हैं तो उनको कितना डाउन पेमेंट करना पड़ेगा? जीएसटी नहीं, ITR अगर फाइल करते होंगे ना। हाँ। तो उनका डाउन पेमेंट कमर्शियल गाड़ी पे लगभग 10-20% पे भी मिल जाएगी उन्हें गाड़ी। प्राइवेट नंबर की जो गाड़ियाँ होंगी, प्राइवेट गाड़ी पे वही 30% अप्रॉक्स देना पड़ेगा। चलिए, बाकी आप लोगों ने इस गाड़ी के बारे में जाना, और अगली गाड़ी के बारे में जानिए आप सभी के लिए एस गोल्ड, जो कि सिवान की रजिस्टर नंबर आपके ये गाड़ी खड़ी है, और ये अगर हम बात करें कहीं ना कहीं अगर पार्सल वगैरह में सबसे ज्यादा ये सब गाड़ी यूज होती है, क्योंकि भाई सब कुछ गाड़ी का जो बोलते हैं डाला सब कुछ पार्सल वाला लगा हुआ है। तो भैया इसकी डिटेल बता दीजिए। ये गाड़ी देखिए 2020 लास्ट की है। हाँ। सिंगल ओनर है ये भी, ये गाड़ी आपको तकरीबन 23,000 करीब चली हुई है, और ये गाड़ी आपको पड़ेगी 3,90,000 में। 3,90,000 में आपको ये गाड़ी मिल जाएगा, लेकिन आप चाहे तो इस गाड़ी पे 2 लाख रुपए जमा करके ले सकते हैं, ले सकते हैं ना। जी हाँ, इस गाड़ी में आपको 2 टायर नया मिलेगा, 2 थोड़ा सा खत्म हो चुका है, 2 नया मिलेगा। चले बाकी अगली गाड़ी देखिए, सिवान की रजिस्टर नंबर, और ये भी आपको EX है ये, और एस में EX है। बाकी इस गाड़ी की भैया डिटेल बताइए। ये भी आपको 2020 की गाड़ी है, सिंगल ओनर है ये भी, और ये गाड़ी पड़ेगी आपको 3,90,000 की। ये भी कितना भैया? 3,90,000। 3,90,000, इस पे भी वही 1.5 से 2 लाख रुपए करना पड़ेगा। 1 लाख करीब में। 1 लाख? हाँ, 1 लाख के करीब में। तो 1 लाख रुपए लेकर आइए और इस गाड़ी को लेकर जाइए, बाकी पैसा आप फाइनेंस कराइए अपना और उसे किस्त में चुकाइए। और अगली गाड़ी देखिए, यहाँ पे एक्सल है, जो कि गोपालगंज की रजिस्टर नंबर गाड़ी है भाई। ये गाड़ी हमारे पास सबसे खास है। हाँ। क्योंकि ये गाड़ी जो है ना,
जरा सा इसका इंटीरियर भी दिखा दीजिएगा। ये गाड़ी चली हुई है मात्र 10,200 किलोमीटर। जेनुअन भैया? जी हाँ, कहीं चेक करा सकते हैं? कहीं भी चेक कराइए आप, गाड़ी का डाला, इंटीरियर, टायर वगैरह देखिए, कंपनी फिटेड ही है टायर। हाँ। डाला वगैरह सेम वैसे ही है, सीट पे अभी पन्नी वैसे ही लगे हुआ है। देखिए तो एक बार अंदर से इंटीरियर आप लोग, और बताइए कि भाई सच में भाई ये गाड़ी 10,000 किलोमीटर चल रही है जी। और भैया रेट क्या रखे है? ये गाड़ी आपको 4,10,000 में दूंगा। अच्छा भैया नए में क्या आ रहा है इसका रेट अभी? एक्चुअल में तकरीबन 7 के आसपास ये पड़ जाएंगी, मतलब सीधे 3 लाख रुपए की फर्क है। 7+ में जाएंगी, एक्चुअल मेरे जेहन में नहीं है लेकिन 7+ में ये गाड़ी आएगी, क्योंकि ये एसी एक्सएल है। ये बाकी जो मैजिक वगैरह रहती है ना, एसी गोल्ड रहती है, उससे बड़ा आता है इसका टायर और डाला वगैरह सारा। जी जी। और चलिए आप बड़ी पिकअप में बात करें तो महिंद्रा की बोलेरो पिकअप यहाँ पे 3-3 खड़ी है, जो की गोपालगंज, सिवान और सिवान की रजिस्टर नंबर गाड़ी है। तो ये गोपालगंज की है जो की 1.3 है, इसके बारे में डिटेल बताइए। तो देखिए हम आपको आस्किंग प्राइस नहीं बताएंगे, लगभग फाइनल ही प्राइस आपको बताएंगे। ये जो 2017 की है ये गाड़ी आपको 5,75 पे छूट जाएगी। ये 2016 की है ये आपको लगभग 5,30 तक छूट जाएगी। ये भी 2016 की है ये भी लगभग 5,30 तक आपको छूट जाएगी। तो ये और कमर्शियल गाड़ी जो भी हमारे पास देखेंगे उसमें मैक्सिमम हम 4 टायर चेंज करके रखते हैं, मतलब नया डाल के देखते हैं। जो गाड़ी आपको मिलेगा आप पूरे नए टायर के और इन सब गाड़ी पे 1-1.25 लाख दे करके डाउन पेमेंट आप गाड़ी उठा सकते हैं। 1-1.25 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए और यहाँ से आप गाड़ी लेके जाइए कमर्शियल में। एसी हो, मैजिक हो, एक्सेल हो, जितनी भी गाड़ी देख रहे हैं सभी गाड़ी पे वही आपको डाउन पेमेंट। हाँ, 1-1.25 लाख खरीद देना होगा। और ऑल पेपर वही आप अपडेट करा के दीजिएगा ना, इस पे आपको बोलेरो पिकअप पे कमिटमेंट करते हैं। हाँ। दोस्तों अगली गाड़ी देखिए आप सभी के लिए यहाँ पे स्कूल वगैरह में चलाने के लिए आप लोग डिमांड करते रहते हैं कि सीओ भाई आप मैजिक दिखाइए। तो ये आपको छपरा की रजिस्टर नंबर मैजिक खड़ी है और देख लीजिए अंदर से गाड़ी का इंटीरियर, गाड़ी का जो सीट कवर वगैरह सब कुछ गाड़ी में लगा हुआ है। इसमें कहने की जरूरत नहीं कि भाई गाड़ी आप लेके जाएंगे आपको पैसा लगाना होगा, कुछ नहीं करना है, बस आपको गाड़ी लेके जाना है और पैसा कमाना है। बाकी आप चाहे तो इसे टैक्सी के रूप में यूज कीजिए या फिर स्कूल वगैरह में यूज कीजिए। और देख लीजिए आपको ओरिजिनल पेंट में गाड़ी मिल जाएगा। और इस गाड़ी को हम पीछे से भी खोल के दिखा देते हैं, थोड़ा सा गाड़ी देख लीजिए आप, देख रहे हैं भाई गाड़ी बिल्कुल सब कुछ गाड़ी में मैट वगैरह सब कुछ अभी न्यू लगा हुआ है, सीट वगैरह सब कुछ न्यू लगा हुआ है। भाई एक बार में इसमें कितने बच्चे बैठ सकते हैं इस गाड़ी में? देखिए पीछे तो बच्चे बैठने का तो 4 पीछे बैठ जाएंगे, 4 वहाँ 8 4, 12, 12 2, 14 तकरीबन बैठ, मतलब स्कूल वगैरह में चलाने के लिए सबसे बेस्ट गाड़ी होता है मैजिक। फर्स्ट ओनर गाड़ी है। हाँ। 2019 की है। 2019 की है। भैया इसका रेट क्या रखे? ये आपको 340 की पड़ेगी लगभग, 340 में प्राइस है इसका, जिसमें नाम ट्रांसफर होगा, इंश्योरेंस होगा। हाँ हाँ, इसमें तो कहने की जरूरत नहीं भाई, इसलिए ट्रांसफर फिटनेस इंश्योरेंस इसका करके देंगे। चलिए आइए हम दिखाते हैं आप सभी को स्कूल वैन में और कुछ दिखा देते हैं। यहाँ पे 2 इको हैं, चलिए स्कूल के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। देखिए इको का भी आप लोग डिमांड करते रहते हैं लेकिन इको भी आ चुका है और ये दोनों आपको इको मिल जाने वाली है। और सिवान की रजिस्टर नंबर गाड़ी, एक सिवान की है, गोपालगंज की है। पहले तो हम बात करेंगे भाई सिवान की जो रजिस्टर नंबर गाड़ी है इसके बारे में, और इंटीरियर भी थोड़ा सा अंदर से आप दिखा दीजिएगा, भैया डिटेल बताइए इस गाड़ी के बारे में। ये गाड़ी आपको 2018 की है, तकरीबन 3.5 इसका प्राइस है। हाँ हाँ, फर्स्ट ओनर है ये भी गाड़ी। आप ये भी फर्स्ट ओनर की गाड़ी है? अच्छा कितना चला होगा गाड़ी? गाड़ी का किलोमीटर आपको तकरीबन ये 50 के अप्रोक्स चली हुई है। रेट बता दीजिए। सिंगल ओनर है, गाड़ी 3.5 के करीब में होगी आपको, 3.5 लाख के करीब होगी। 18 ये 20 मॉडल है, ये लगभग आपको 4.5 के करीब पड़ेगी। ये मात्र 21,000 चली हुई है। जेन्युइन है? जेन्युइन वैसे ही है, इसका स्टेपनी भी वैसे ही अभी लगे हुआ है। स्टेपनी भी यूज नहीं हुआ आज तक, कभी नहीं खुला है, मतलब ऑन यूज स्टेपनी। अभी आप देख सकते हैं स्टेपनी भी गाड़ी का यूज नहीं किया गया। इंटीरियर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देख लीजिए आप अंदर से इंटीरियर, अभी इसमें एसी और नॉन एसी वाली आती है? ये नॉन एसी, ये नॉन एसी 2020 लास्ट की। और आइए हम अगली गाड़ी आप सभी को दिखाते हैं, और बहुत ही खास ये गाड़ी हो जाएगी आप सभी के लिए, क्योंकि सबसे पहले तो भाई आपको गोपालगंज की रजिस्टर नंबर गाड़ी मिलेगा। और एक खास चीज हम बताना चाहेंगे, 24 नंबर, ये 24 नंबर आप देख रहे हैं 786, जो हमारे मुसलमान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही 24 नंबर ये हो जाएगा। और ये वेगन आर अगर आप लेना चाहते हैं तो क्या रेट देना होगा, ये डिटेल भी आप बताइए। 2014 मॉडल है, 2,65 की पड़ेगी, 2,65,000 की। फाइनेंस कराना होगा तो 1 लाख डाउन पेमेंट पे ये गाड़ी मिल जाएगी। ये इको भी 1 लाख डाउन पेमेंट पे मिल जाएगी, वो भी आपको 1 लाख डाउन पेमेंट, मतलब 1 लाख रुपए के डाउन पेमेंट पे ये तीनों में से कोई गाड़ी ले सकते हैं जी। और चलिए आइए यहाँ पे, ये कौन सी i10 स्पोर्ट्स हो जाएगी? नहीं, ये हुंडई इयोन है। इयोन जी, बताइए तो भैया इसके बारे में। 2014 की है, 1,75 पड़ेगी आपको, मात्र 1,75,000 की जी, मात्र 1,75,000 की ये गाड़ी है, सबसे कम रेट 1,75,000 की है। फर्स्ट ओनर है ये भी। हाँ, ऑल पेपर अप टू डेट करा के गाड़ी को लेके जाइए।
और अगली गाड़ी देखिए आप सभी के लिए गोपालगंज की रजिस्टर नंबर वैगन आर, इसके बारे में थोड़ा सा बता। ये वैगन आर VXI प्लस है, ये 2017 की है, ठीक है, मॉडल है, ये अलॉय व्हील इसमें देता है, बाकी आप वैगन आर में देखेंगे ना तो आपको अलॉय व्हील नहीं मिलेगा। इसमें अलॉय व्हील दिया हुआ है जी हाँ, चार अलॉय व्हील देता है, पांचवा अलॉय व्हील नहीं देता, रिम देता। बाकी इसका रेट ये आपको 2017 की है, ये आपको 3.5 की पड़ जाएगी, 3.5 लाख। ये भी सिंगल ओनर है। अच्छा स्विफ्ट के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल बताइए। स्विफ्ट 2017 की है, ये 4.25 की पड़ेगी, ये भी फर्स्ट ओनर ही है, सिंगल ओनर। ये भी फर्स्ट ओनर की गाड़ी हो जाएगी स्विफ्ट, जो कि 01 पटना की रजिस्टर नंबर गाड़ी है। बाकी हमने बहुत छोटी गाड़ी देखा भाई, अब बड़ी गाड़ी हम एक आप सभी को दिखा देते हैं। जैसे कि भाई आप सभी का ट्रक वगैरह को लेकर डिमांड होता है, तो देखिए पिछली बार हमने ट्रक कवर किया था, लेकिन इस बार भी बनता कि भाई आप सभी को एक ट्रक दिखाया जाए, तो यहाँ पे आप सभी के लिए टाटा कल आते हैं तो दो और ट्रक मिल जाती है। हाँ, तो 12 टायर वाली एक 10 टायर वाली। अच्छा, ये गाड़ी आपको देखिए 2019 मॉडल है। हाँ, ये आपको टाटा 12-12 है, ये आपको पड़ जाएगी 10.75 में, फर्स्ट ओनर ये भी है, सारा पेपर अपडेट के साथ, टायर भी इसमें देख सकते हैं। कमर्शियल गाड़ी में इम्पोर्टेंट होता है टायर और चेसिस, तो इसका टायर हमने नया डाला हुआ है। तो बिल्कुल अभी नए टायर के आपको देखने को मिलेगा, मतलब इस गाड़ी में 2-2, 4 और 2-6 टायर है, लेकिन 6 को 6 आपको बचा हुआ मिलेगा। और भैया कितना इस गाड़ी पे डाउन पेमेंट करना पड़ेगा? इस गाड़ी पे 2.5 लाख। 2.5 लाख जी हाँ, 2 से 2.5 लाख रुपए के डाउन पेमेंट पे आपको यहाँ से स्मार्ट ट्रक दिया जा रहा है। ऑल पेपर अप टू डेट करके 2 से 2.5 लाख रुपए लेकर आइए और इस ट्रक को आप अपने घर लेके जाइए। बाकी फिलहाल अभी मैं आप सभी के लिए मौजूद था सिवान जिले में, और मैंने आप सभी को बताया कि अभी हम मौजूद थे कि सिवान जिले के चर्चित कार बाजार, बोलना नहीं है, चर्चित कार बाजार में, और जहां से कि हमने आप सभी को लगभग मुझे लग रहा है 30 से 40 गाड़ी हमने कवर किया, और कड़ी धूप में आज हमारे साथ भैया भी थे। भैया बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप ऐसे मौसम में हमारे पास आए, हमारा कलेक्शन दिखाएं, आप ऐसे ही हमेशा आते रहिए हमारे यहाँ। जी जी, बाकी आप सभी इस वीडियो को एक बार शेयर कीजिए, और मिलते हैं हम लोग नए स्टॉक लेकर आप सभी के बीच बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।